बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, स्पोकन इंग्लिश कोर्स के सिलसिला में आज का जो लेसन है फैशन के बारे में है, और फैशन के सिलसिला में जो कन्वर्सेशन होती है उसमें जो फिक्रे इस्तेमाल होते हैं या जो फ्रेजेस इस्तेमाल होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से वोकैबुलरी का इस्तेमाल होता है। फैशन शो इज मेयर इवनिंग एंटरटेनमेंट फॉर फॉरेन बायर्स। ये किसी का ख्याल हो सकता है कि फैशन शो इज मेयर इवनिंग एंटरटेनमेंट फॉर फॉरेन बायर्स। पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही कि गैर मुल्की खरीदारों के लिए फैशन शो महज शाम की तफरी के तौर पर मुनक्कद किए जाते हैं हमारे यहाँ, ताकि रौनक मेला पैदा किया जा सके। द वर्ल्ड ऑफ फैशन नेवर स्टेज स्टिल। फैशन की दुनिया कभी एक जगह पर नहीं खड़ी रहती। द वर्ल्ड ऑफ फैशन नेवर स्टेज स्टिल, यानी एक जगह पर साकन नहीं रहती, फैशन बदलते रहते हैं। आपने देखा कि आज कोई फैशन है, कल कोई फैशन होगा, तो फैशन तब्दील होते रहते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फैशन। और ये बंदा कह रहा है कि देखें लड़की का हाल, कि ये कह रही है कि मैं फैशन में दिलचस्पी नहीं रखती, मुझे फैशन में दिलचस्पी नहीं है। देख लें, आप खुद फैसला करें कि इसको दिलचस्पी है या नहीं है। इन फैशन सम डिजाइनर्स हैव फाउंड देयर होम। इन फैशन सम डिजाइनर्स हैव फाउंड देयर होम। फैशन में कुछ डिजाइनर ने अपना घर ढूंढ लिया है। यानी यहाँ पर ये फैशन की दुनिया जो है वो नए नए मलबूसात के सिलसिला में हमें दुनिया में रंग वगैरह देती है, और वहाँ पर लोगों को रोज़गार भी मिलता है। बहुत सारे दुनिया में फैशन डिज़ाइनर हैं जो कि सिर्फ इसी की वजह से रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। टुडे फैशन रोल थ्रू आवर लाइफ्स लाइक ए वेल ऑयल्ड मशीन। हमारे ऊपर से रोल कर रहा है, गुजर रहा है ज़बरदस्ती फैशन हमारी ज़िंदगियों में, जैसे किसी मशीन को ऑयल दे दिया है और बड़ी तेज़ी के साथ वो चल रही है। इस तरह फैशन हम घेर रहा है। हर आजकल का नौजवान जदीद फैशन के कपड़े और जदीद फैशन के जूते और जदीद किस्म का फर्नीचर ख़रीदना चाहता है। आर यू ए बिग फैन ऑफ फैशन। आर यू ए बिग फैन ऑफ फैशन, क्या फैशन के बड़े प्रस्तार हैं? और ये प्रस्तार ही है नीचे जो इस तरह कर रहा है, क्या फैशन के बड़े प्रस्तार हैं? वो कहता है हाँ जी, मैं तो बड़ा प्रस्तार हूँ, मैं फैशन का बड़ा प्रस्तार हूँ। यस आई एम, आई बिलीव एवरी गर्ल इज क्रेजी अबाउट फैशन। हाँ मैं हूँ, मुझे यकीन है कि हर लड़की फैशन के बारे में पागल है। हर लड़की फैशन के बारे में पागल है। वाकई सही बात है, ख्वातीन ज़्यादा फैशन में दिलचस्पी लेती हैं। वाट स्टाइल डू यू चूज़ टू वियर। वाट स्टाइल डू यू चूज।
व्हाट स्टाइल डू यू चूज टू वियर, आप किस स्टाइल को पहनने का इंतखाब करते हैं, आप किस स्टाइल को पहनने का इंतखाब करते हैं। वेल माई फेवरेट पीस ऑफ क्लॉथ इज ए ड्रेस, ठीक है मेरा जो पसंदीदा फैशन है वो क्लॉथ के सिलसिला में वो ड्रेस है, मैं ड्रेस ज़्यादातर पहनती हूँ, ड्रेस पसंद करती हूँ, ड्रेसिंग या ड्रेस। डू यू इंजॉय शॉपिंग फॉर क्लॉथ्स, क्या आपको कपड़े की ख़रीदारी से लुत्फ़अंदोज़ होते हो, आप कपड़े की ख़रीदारी से लुत्फ़अंदोज़, और हाँ में ही जवाब है यस आई एम ए शॉपाहोलिक एक्चुअली, मैं वाकयातन एक शॉपाहोलिक हूँ। शॉपाहोलिक मीन जो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता है उसको शॉपाहोलिक कहते हैं, मैं एक शॉपाहोलिक हूँ। इज देयर एनी फैशन आइकॉन हु यू वांट टू वियर द सेम, क्या कोई फैशन आइकॉन है जो आप वही पहनना चाहते हैं, यानी आपका कोई आइडियल है जिस फैशन में है और जिस तरह के वो कपड़े पहनता है आप वही कपड़े पहनना चाहते हैं, क्या कोई ऐसा है। और पता नहीं नहीं कह रही है या हाँ कह रही, कुछ समझ नहीं आई। डू यू क्रिएट योर ओन फैशन स्टाइल, ये देखें ज़रा स्टाइल क्या बन रहा है और कपड़े का कितना अच्छा स्टाइल बन रहा है। डू यू क्रिएट योर ओन फैशन स्टाइल, क्या आप अपना फैशन स्टाइल तख्लीक करते हैं, क्या आप अपना फैशन स्टाइल खुद तख्लीक करते हैं। नो आई एम नॉट ए फैशनिस्टा, जो फैशन खुद तख्लीक करता है उसे फैशनिस्टा कहते हैं। टू मोस्ट ऑफ द टाइम आई जस्ट फॉलो द फैशन ट्रेंड, और ज़्यादातर जो फैशन के रुझानात हैं मैं उसी को फॉलो करती हूँ, फैशनिस्ट नहीं हूँ मैं। डू यू प्रेफर विंटेज और मॉडर्न स्टाइल, विंटेज पुराना, एक तरफ पुराना है और एक तरफ ये नया है, क्या पुरानी या जदीद तर्ज को तरजीह देते हैं, आप फैसला कर लें कि कौन सी किसको तरजीह ज़्यादा मिल रही है। ऑनेस्टली आई लव विंटेज स्टाइल, और मैं पुरानी तर्ज के फैशन को, वीरिंग क्लासिक क्लॉथ, पुरानी तर्ज के कपड़े मेक्स मी फील लाइक आई एम स्पेशल, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं स्पेशल हूँ, ख़ास हूँ, जब मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ तो मुझे ज़्यादातर क्लासिकल कपड़े ही पसंद हैं। हैव यू एवर अटेंडेड इन एनी फैशन शो, क्या आपने कभी किसी फैशन शो में शिरकत की है, ये फैशन शो में ऐसे चलते हैं, चालें बदल जाती हैं, म्यूज़िक साथ चल रहा होता है, पता नहीं क्या सिस्टम है, और ये कपड़े भी कहीं पहने तो जाते नहीं जो इन शोज़ में दिखाए जाते हैं। नॉट इन रियल लाइफ आई जस्ट वॉच देम ऑन टीवी, हकीकी ज़िंदगी में नहीं सिर्फ टीवी पर देखता हूँ मैं, यानी फैशन जो सिर्फ टीवी पर। What do people think about your fashion style? लोग आपके फैशन